हेलो एवरीवन, दिस इज इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का ये जो वीडियो है ये असम के बराक वैली के उन जगह के बारे में है जिन जगह के बारे में ज़्यादातर बराक वैली के लोग जानते भी नहीं हैं। तो मैंने सोचा अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है तो क्यों ना आप लोगों को एक वर्चुअल टूर पर लेकर चलें बराक वैली के इन जगह के ऊपर। ये जो जगह है इनको मैंने पर्सनली विजिट करके आप लोगों के लिए एक लिस्ट आउट निकाल के रखा है। मैंने अपने लिस्ट में 7 जगह के बारे में लिखा है और 7 जगहों के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बराक वैली जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, हाइलाकांदी, करीमगंज एंड कछाड़। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर जो जगह आया हुआ है वह हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट के 5 ग्राम के उत्तर कंचनपुर एरिया में पड़ता है। ये एक मुकाम है। यहाँ पे एक रहस्यमय तरीके से स्टोन्स के बीच में से गैस निकलते हुए आग जला हुआ रहता है। यहाँ का मान्यता ये है कि यहाँ पे कोई पीर बाबा रहते थे, उनकी वजह से यहाँ पे आग जलता रहता है। तो इस जगह पे आप ज़रूर आइए और इस जगह को देखिए जो कि एक अनटस्ट जगह है हमारे बराक वैली का। सेकेंड नंबर पर जो जगह है इस जगह का नाम है खाशपुर, जो कि कछाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहा जाता है कि 1800 सदी के जो राजा थे डीमा हसाओ, उनका ये महल है, उनका ये किंगडम है। आप इस जगह पर ज़रूर विजिट करिए, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, देखने में बहुत ही सुंदर है, जो कि कछाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए चलते हैं हमारे तीसरे नंबर वाले जगह के पास। तीसरा नंबर का जो जगह है ये 5 ग्राम का टाउनशिप एरिया है, जो कि हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का एक क्वार्टर बेस एरिया है जो कि पहाड़ों के ऊपर है। ये जगह जो है बहुत ही सुंदर है, हमारे बराक वैली के अंदर पड़ता है और घूमने लायक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह को आपके लिए हमारे लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। तो ये रहा तीसरा जगह, 5 ग्राम टाउनशिप। चौथे नंबर पे जो जगह है ये एक हाइलाकांदी का टी गार्डन एरिया है, जिस जगह का नाम है आशी अली बिल। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि हमारे लिस्ट में ऐड करते हुए बराक वैली का एक और जगह आप लोगों के सामने लेके आऊँ। इस जगह का नाम है आशी अली बिल, आप इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो जगह है इस जगह का नाम है बंदूकमारा। अपने नाम के तरह ये जगह बहुत ही यूनिक है। कछाड़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए अगर आप हाइलाकांदी आओगे तो ये जगह आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर जगह है, विजिट करने लायक जगह है, तो इसीलिए हमने हमारे लिस्ट में इसको ऐड किया है ताकि आप लोग भी इस जगह पे जा सकें। हमारे 6th नंबर पे है आयनाकाल टी स्टेट। ये भी एक टी स्टेट है, दूसरे टी स्टेट से थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये हाइलाकांदी टाउन के थोड़ा सा अंदर होते हुए जाना पड़ता है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आपके लिए इस जगह को भी लेके आए ताकि आप लोग भी इस जगह पे जाके एक्सप्लोर कर सकें। हमारे लास्ट 7वें नंबर पे जो जगह है ये जगह का नाम है सोनबिल, जो कि करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एशिया का 2nd लार्जेस्ट वेटलैंड है और देखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, बहुत ही फन एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ज़रूर आप विजिट करिएगा। आशा करते हैं कि जितने भी ये जगह हैं इन जगह पे जो वर्चुअली मैं आप लोगों को लेके गया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा क्यों ना इस लॉकडाउन के पीरियड में जो आप लोग अभी बोर हो रहे हैं तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन कर दें, एक वर्चुअल रियलिटी पे लेके चले कि ऐसे जगह हैं हमारे बराक वैली में जो लॉकडाउन के बाद आप घूमने जा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस लाएंगे आप लोगों के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। थैंक यू।